दिल डूबा दिल डूबा, दिली आँखों में ये दिल डूबा, महबूबा महबूबा, बस ये चांद ले महबूबा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बबलू एडिटर। अगर आपको इस टाइप का स्टेटस बनाना है तो आपको सबसे पहले एलाइट मोशन ऐप को ओपन कर लेना है, फिर आपको प्रोजेक्ट पे क्लिक कर देना है, फिर आपको एक्सेल में क्लिक कर देना है, फिर आपको सबसे नीचे आना है, फिर आपको थोड़ा आगे जाना है, फिर आपको एक लाइन मिलेगा, आपको उस पर क्लिक कर देना है, फिर आपको कलर एंड फिल टैप करना है, फिर आपको स्टार पे क्लिक कर देना है। ऐसे ही फिर आपको फ़ोटो को सिलेक्ट कर लेना है, फिर आपको फ़ोटो को सिलेक्ट करके आपको प्लस पर क्लिक कर देना है। ऐसे ही फिर से आपको थोड़ा आगे जाना है, फिर से आपको अगले लेयर पर क्लिक कर देना है। ऐसे ही फिर से आपको कलर एंड फिलिप टैप करना है, फिर आपको स्टार पर क्लिक कर देना है। ऐसे फिर से आपको नई इमेज को सिलेक्ट कर लेना है। ऐसे फिर से आपको ऊपर वाले लेयर पर क्लिक कर देना है। ऐसे ही फिर से आपको कलर एंड फिलिप टैप करना है, फिर आपको स्टार पर क्लिक कर देना है। ऐसे फिर से आपको न्यू इमेज को सिलेक्ट कर लेना है। ऐसे फिर से आपको थोड़ा आगे जाना है, फिर से आपको अगले लेयर पे क्लिक कर देना है, फिर से आपको कलर एंड फिलिप टैप करना है, फिर आपको स्टार पे क्लिक कर देना है। ऐसे फिर से आपको इमेज को सिलेक्ट कर लेना है। ऐसे दोस्तों फिर से आपको अगले लेयर पे क्लिक कर देना है, फिर से आपको कलर एंड फिलिप टैप करना है, फिर आपको स्टार पे क्लिक कर देना है। ऐसे दोस्तों फिर से आपको फ़ोटो को ऐड कर लेना है। ऐसे फिर से आपको अगले लेयर पर क्लिक कर देना है, फिर से आपको कलर एंड फिलिप टैप करना है, फिर आपको स्टार पर क्लिक कर देना है। ऐसे फिर से आपको इमेज को सिलेक्ट कर लेना है। ऐसे दोस्तों फिर से आपको अगले लेयर पर क्लिक कर देना है, फिर से आपको कलर एंड फिलिप टैप करना है, फिर आपको स्टार पर क्लिक कर देना है। ऐसे दोस्तों फिर से आपको नए इमेज को आपको सिलेक्ट कर लेना है। ऐसे फिर से आपको थोड़ा जाना है, फिर से आपको अगले लेयर पर क्लिक कर देना है, फिर से आपको कलर एंड फिलिप टैप करना है, फिर आपको स्टार पे क्लिक कर देना है। ऐसे दोस्तों फिर से आपको फ़ोटो को ऐड कर लेना है। ऐसे दोस्तों फिर से आपको अगले लेयर पे क्लिक कर देना है, फिर से आपको कलर एंड फिलिप टैप करना है, फिर आपको स्टार पे क्लिक कर देना है। ऐसे फिर से आपको नई इमेज को सिलेक्ट कर लेना है। ऐसे फिर से आपको थोड़ा आगे जाना, फिर से आपको अगले लेयर पे क्लिक कर देना है, फिर से आपको कलर एंड फिलिप टैप करना है, फिर आपको स्टार पे क्लिक कर देना है। ऐसे फिर से आपको नई इमेज को आपको सिलेक्ट कर लेना है। ऐसे दोस्तों फिर से आपको अगले लेयर पे क्लिक कर देना है, फिर से आपको कलर एंड फिलिप टैप करना है, फिर आपको स्टार पे क्लिक कर देना है। ऐसे फिर से आपको इमेज को सिलेक्ट कर लेना है। ऐसे दोस्तों फिर से आपको थोड़ा आगे जाना है, फिर से आपको कलर एंड फिलिप टैप करना है, फिर आपको स्टार पे क्लिक कर देना है। फिर से आपको दोस्तों फोटो को ऐड कर लेना है। ऐसे फिर से आपको थोड़ा जाना है, फिर से आपको अगले लेयर पर क्लिक कर देना है, फिर से आपको कलर एंड फिलिप टैप करना है, फिर आपको स्टार पर क्लिक कर देना है। ऐसे फिर से आपको नई इमेज को आपको ऐड कर लेना है। ऐसे दोस्तों फिर से आपको अगले लेयर पर क्लिक कर देना है, फिर से आपको कलर एंड फिलिप टैप करना है, फिर आपको स्टार पर क्लिक कर देना है। ऐसे दोस्तों फिर से आपको इमेज को सिलेक्ट कर लेना है, फिर से आपको थोड़ा जाना है, फिर से आपको अगले लेयर पर क्लिक कर देना है, फिर से आपको कलर एंड फिलिप टैप करना है, फिर आपको स्टार पर क्लिक कर देना है। ऐसे फिर से आपको फ़ोटो को ऐड कर लेना है। फिर से आपको थोड़ा आगे जाना है, फिर से आपको अगले लेयर पे क्लिक कर देना है, फिर से आपको कलर एंड फिलिप टैप करना है, फिर आपको स्टार पे क्लिक कर देना है। ऐसे दोस्तों फिर से आपको नई इमेज को आपको ऐड कर लेना है, फिर आपको वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना है।